अरे भाई क्या चल रहा है? सब बढ़िया, तू बता क्या चल रहा है? अरे भाई मेरा भी एकदम बढ़िया, और तू बता? सब बढ़िया है। तो और बता, लॉकडाउन कैसे चल रहा है तेरा? लॉकडाउन में तो कुछ चले ना चले, लेकिन घर वालों का खौफ बहुत चल रहा है। और बता भाई। अरे अच्छा ठीक है, मैं ना बाद में बात करती हूँ, मुझे बर्तन धोने जाना है। हाय सत श्री अकाल, किदा की हाल चाल भाई? वड्डी वाली वेलकम दिल से आपका। तो भाई जैसे मैं बता रही हूँ कि और कुछ चले ना चले, लेकिन घर वालों का खौफ कुछ इस कदर मन में बैठ गया है कि जो काम नहीं करना पड़ रहा था ना वो भी करना पड़ रहा है। तो भाई जैसे पड़ोसी के मम्मी पापा जो मतलब होते हैं, लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां भी हैं, कि मतलब कुकिंग कर रही हैं लेकिन उसको स्टेटस पे भी लगा रही हैं। तो भाई अब हमारी इसमें लगी पड़ी है कुछ इस कदर कि वो बनाते हैं खाना, स्टेटस डालते हैं। अब तो मम्मी भी ये सुनाने लगी कि शर्मा जी का लड़का देखो किचन में काम कर रहा है, नालायक तू नहीं कर रही है। तो भाई जरा मुझे और भी काम है, यानी कि जो उन बता देते हैं घर वाले। तो आज मैं आपको शो में यही बताने वाली हूँ कि और क्या क्या लॉकडाउन में चल रहा है। लेकिन ये सबसे मेन चीज है कि पंजाबियों को ना लोग ये कहते थे भाई यार बड़े खाते पीते घर पे हो हैं, बड़े मोटे ताजे हो। तो लेकिन अब मैं ये भी कह दूं कि यार अब तो मोटे ताजे अब भी हो जाने वाले हैं, लेकिन यार कुछ हमारे जैसे होते हैं कि जितना खा लो लेकिन उनको नहीं लगने वाला होता है। तो मैं ये सोचती हूँ ना मुझे खाना नहीं चाहिए, बट क्या करें यार, पापी बेटा है, भूख तो लगी जाती है आखिरकार। सो अभी सब मोटे ताजे हो जाने वाले हैं, यानी कि खा पी के तो और भी हेल्दी रहिए, लेकिन सेफ रहिए और घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन साथ ही साथ अब आपको मैं मिलूंगी 4 से 5 यानी कि पंजाबी तड़के पे फटेगा बम, ओ माय गॉड, यानी कि गानों का और मेरी चटपटी बातों का, यानी कि मसाले वाली। तो सो बी रेडी 4 to 5 PM RJ अमरप्रीत के साथ शो पंजाबी तड़के ते।